भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन बदमाश गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला टीला जमालपुरा थाना इलाके का है, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने बीजेपी नेता की कार में तोड़ फोड़ कर दी। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहा है। मैं सवेरे जैसे उठा और जैसे मैं बाहर आया तो मैंने गाड़ी देखा तो गाड़ी टूटी फूटी पड़ी हुई है। पूर्व में भी एक बार गाड़ी में घटनाएं हो चुकी हैं। बैग की लूट हो गई है, पहले 10,000 रुपया और बहुत सारा सामान हमारा इस गाड़ी में से चला गया है। वो इसी प्रकार से अभी ऐसे असामाजिक तत्व फुटेज में आ रहे हैं, 4-5 लोग हैं उसमें, जो लूट की वारदात से गिरोह है पूरा, जो ये लूट करता है वो उन्हीं लोगों ने इस गाड़ी में फोड़ करके, लेकिन सामान कुछ गाड़ी में मिला नहीं होगा और इसकी तोड़ फोड़ कर दी। तो मेरी एक्चुअली मेरा पास जो शस्त्र रिवॉल्वर शस्त्र लाइसेंस है, एक्चुअली उनको ये नहीं मालूम कि अभी जमा हो जाता है, तो उनका उद्देश्य वो भी हो सकता है, जानकारी हो सकती है उनको कि ऐसा कोई सामान हो या पैसे हो, इस प्रकार से मेरी गाड़ी में तोड़ फोड़ करके ये वारदात को अंजाम दे रहे थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।